आपकी डाइट के हवाले से भी बताते हैं, और जब हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स इन सब की बातें करते हैं तो वहाँ पर दालें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पल्सेस के हवाले से आज हमारी न्यूट्रिशन जवेरिया में क्या बताने वाली हैं ये जवेरिया से ही जानते हैं। जी जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दालों की फ़ायदियों के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पाकिस्तान वैसे तो वी आर द मीट लवर्स और प्रॉपरली वेजिटेरियन भी नहीं है, पर जहाँ पे सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है, दालों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पे गोश्त का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पर बेसिकली हमारी डाइट में कितनी फूड सर्विंग्स होनी चाहिए, कितनी दालों की कितनी अफादियत है, और कौन कौन सी दालें हैं जो किस किस बीमारी में हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मैं बताती चलूँ कि दालें हो गई, लेंटिन्स हैं या पल्सेस हैं, ये बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है जो हमें पौधों से हासिल होती है। और पौधों से हासिल होने वाली चाहे कोई भी दाल है या फिर तेल है या फिर सब्ज़ियाँ हैं, तमाम वो चीज़ें आप ये देखें कि वो हमारी बॉडी में कुछ चीज़ों को स्टॉप डाउन कर देती हैं, लाइक टू से दैट एक्सेसिव कोलेस्ट्रोल, एक्सेसिव ब्लड प्रेशर, यानी जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेवल्स होते हैं, या उसके अलावा आपको दिल की जितनी बीमारियाँ, दिल की बीमारी वाले, इस्कीमिक हार्ट डिजीज वाले जितने लोग हैं या जिनकी एंजियोग्राफीज हो चुकी हैं, तो उनको भी चाहिए कि अपनी डाइट में, अपनी ग़िज़ा में दालों, सब्ज़ियों का, और उसके अलावा डिफरेंट किस्म के, आप इसकी तरफ सैलड्स ले सकते हैं, ग्रेविज़ की तरफ जा सकते हैं, आप इसका प्लेन क्लियर सूप पी सकते हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में आपको वो माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी में तमाम वो ग़िज़ाई किल्लत जो आप ऑलरेडी हो चुकी होती है उसको सेटल डाउन करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और आप नॉर्मल हेल्दी इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दालें, क्योंकि पाकिस्तान में देर लॉट ऑफ लेंटेंस, तो हमारा वे ऑफ इनटेक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम उसको भी एनिमल फैट में अक्सर औकात बना रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं ठीक। आपने जब भी कोई भी इवन दाल बनानी है तो उसका मेथड ऑफ कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, प्रेपरेशन टेक्निक्स में ओवर कुक उसको आपने नहीं करना, वो एक इवन कि वो भिगोई हुई दाल है या सिंपल दूसरे तरीके से, बहुत ज़्यादा सोडा जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ मैं जिक्र करती जाऊँ मोस्ट प्रोबेबली, और उन लोगों को भी मैसेज देती जाऊँ जो कमर्शियल कुकरी में, लाइक टू से जैसे नाश्ते में चने जो लोग बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सोडा ऐड कर देते हैं, उनको चाहिए कि उसको रोक दिया जाए। काली मिर्च या सब्ज़ मिर्च, इसका ठीक है, उसके साथ एक लिंकअप है, पर उसको भी मॉडरेट रखा जाए, यानी कि कम रखा जाए, क्योंकि जितनी मिर्च का मॉडरेट इस्तेमाल किया जाता है उतने स्टमक इशूज़, यानी आपका जो मैदा है उसके मसाइल आपको कम होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी किस्म की दाल बना रहे हैं तो आप उसको कॉर्न या ऑलिव या इस तरह के, मतलब प्लांट बेस्ड ऑयल में ही बनाएं, क्योंकि जब आप उसके साथ चलेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, इंस्टेड के जब भी आप एनिमल फैट में कोई भी दाल बनाएंगे तो वो आपकी इवन आपके ब्लड को टॉक्सिक करेगी, आपका टोटल ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बात है, आपका ब्लड पॉल्यूटेड हो जाएगा, यानी कि आलूदा हो जाएगा, और वो तभी होता है जब अपनी खुराक जो है उसको प्रॉपरली उसका इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि छोटे बच्चे या हो गए या यंगस्टर लड़के लड़कियाँ हो गए, दाल का रुझान बहुत कम है दाल कंज्यूम करने का। अक्सर औकात दाल घर पे बनी हो तो बच्चे मना कर देते हैं, या फिर दाल हो या फिर दाल सब्ज़ी हो तो उसको प्रेफर नहीं किया जाता। पर अगर ऑल ओवर ग्लोबली देखा जाए तो वो कौमें ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जो कि दालें और सब्ज़ियों पे बेस करती हैं, क्योंकि वेजिटेरियन होना कोई बुराई नहीं है, वेजिटेरियन होने से आप बहुत सी बीमारियों से बचते हैं, बल्कि सब्ज़ियों और दालों की तरफ जाने से ठीक है, आप गोश्त का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों के साथ गोश्त लें, दाल के साथ आप गोश्त का इस्तेमाल करें, पर 4 to 6 सर्विंग्स जो हैं पर वीक आपकी, यानी 4 से 6 दफ़ा आप पूरे हफ्ते में दाल और सब्ज़ियों पे इन्हिसार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में डिफरेंट, आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपके लिवर एंजाइम्स हैं, इवन के जिन लोगों के लिवर एंजाइम्स डिस्टर्ब होते हैं या उसके अलावा उनका ब्लूरबिन अपनी एक रेंज से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो चुका होता है, तो उनकी भी अक्सर अगर डाइटरी हिस्ट्री देखी जाए तो उनकी डाइट में दालों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। यहाँ पे बताती चलूँ कि दाल का मतलब अगर आप फर्स्ट हाफ में, मतलब दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक भी, सुबह के नाश्ते से दोपहर 3-4 बजे तक दालों का इस्तेमाल करें तो इट्स गुड, आपको इजीली डाइजेशन भी हो जाती है, पर आफ्टर उसके जब इस्तेमाल करें तो आपको डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अदरवाइज़ आप क्लीन क्लियर सूप बिल्कुल ले सकते हैं, और स्पेसिफिकली वो लोग जो कि
बीमारी से रिकवर होना चाहते हैं और उनको प्रोटीन्स चाहिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन चाहिए, हेल्दी प्रोटीन्स, तो उनको चाहिए कि वो दाल का मतलब सूप ले लें, क्लियर ब्रॉथ ले लें, इट्स फाइन। यहाँ बताते चलो पाकिस्तान में अक्सर लोग दालों के शौकीन हैं, पर उस पर जब वो कोई ना कोई भगाड़ ऐड करते हैं तो वो बहुत ही स्पाइसी होता है, या उसमें गार्लिक के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि आपके स्टमक के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर अल्सर्स में आपको ले जाती हैं, तो उसको भी मॉडरेट और लाइट रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मिर्च जो है वो एक हद तक आपके लिए अच्छा है, इट्स एक हद तक आपके लिए बेहतर है, पर उससे ज़्यादा जब भी आप उसको एक्सेस करेंगे तो इट कैन क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर योर बाउल सिंड्रोम, फ्रॉम फॉर योर मतलब यू कैन से के अदर इशूज़। तो पाकिस्तान में क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ग़िज़ाई इजनास दी हैं और हम एग्रीकल्चर में भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, जो कि हमारे फार्मर्स से लेके हर इंसान कंज्यूमर्स तक हमें ईज़िली अवेलेबल भी है, तो हमें चाहिए कि इसका मुकर्रा मिकदार में एक क्वालिटेटिव वे में, क्वालिटेटिव मीन टू से दैट एक साफ़ जो दाल होती है घर पे बनी होती है, हेल्दी हाइजेनिक प्रॉपर्टीज़, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो वो हमें हमें इंटरनली बहुत हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देती है, जिसकी वजह से ना हम इजीली किसी बीमारी में आ सकते हैं और ना हम जो डिफरेंट किस्म की सीजनल और वेदर डिसऑर्डर्स हैं उसका शिकार हो सकते हैं।